आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सायंकाल 7 बजे विजय टॉकी चौराहे पर गुजरात के मोरबी में हुए हृदय विदारक घटना में असमय मौत के काल में समा गए 200 मृत व्यक्तियों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रशासन की घोर लापरवाह होने के साथ ही ब्रिज के मरम्मत में भ्रष्टाचार साफ उजागर हो रहा है। इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच कर वैधानिक कार्यवाही की जानी चाहिए। गुजरात सरकार घायलों को मेडिकल सुविधा एवं आर्थिक सहायता प्रदान करे। श्रद्धांजलि सभा में शबनम कुरैशी, रिजवाना खान, मधुबाला राजोरा, नवीन अग्रवाल, अशोक सागर, बालचंद्र वर्मा, चंद्रसेन, विनोद पवार, लवीश कनौजिया, लक्ष्मी नारायण तोतला, सुनील नाग दैव गणमान्य नागरिकों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कल गुजरात के मोरबी के अंदर जो पुल गिरने से जो हादसा हुआ है उसमें करीबन 200 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को सजा होनी चाहिए, उसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और जो मृत व्यक्ति है उनको आर्थिक सहायता के उनके परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। यही आम आदमी पार्टी की मांग है। आम आदमी पार्टी द्वारा आज जो मोरबी में कल घटना हुई है और दुखद घटना हुई उसमें लगभग 150 व्यक्तियों की अकाल समय में प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण जो असमय काल की ग्रास में समा गए हैं उनको आज हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी के सभी साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथ ही हम इस आयोजन से एक मांग कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री से और देश के राष्ट्रपति महोदय से कि इसकी जो उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए, जो भी दोषी हैं और जो भ्रष्टाचार की कहानी लिखी गई है उसके कारण जो असमय काल के ग्रास में गए हैं उनकी जाँच करके और दोषी व्यक्तियों को सजा मिलना चाहिए। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।